नहीं, बेबी कैसी बात कर रही हो। 2 दिन के लिए तुमको किसी अजनबी के घर कैसे भेज सकती हूँ मैं। अजी जी, अजनबी नहीं है, सहेली है हमारी। सहेली है तो पूरा नाम बताओ। ऐसे तो सब भाई डाली डाली कैप। मतलब पूरा नाम नहीं पता। अच्छा ठीक है, घर में कौन कौन है वो बताओ। रेता कौन है जी? बाकी तो रह गया फिर बता दें। एग्जैक्टली, घर में कौन रहता है तुम्हें नहीं पता, आना जाना किसका है तुम्हें नहीं पता, तो कैसे भेज सकती हूँ वहाँ। तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है बेबी। तो जी फिर बताओ क्या करें। हमारे आदमी मोड़ा मोड़ी गाँव में, 2 दिन अगला ने तुम बाहर जा रहे, कितना तो रहने पड़े। अरे तो यहाँ रहो ना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। कंसिडर इट लाइक अ स्टेकेशन, मतलब चिल करो, टीवी देखो, जो खाने का मन है वो बनाओ खाओ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब डस्टिंग वगैरह कर लेना, अदरवाइज बहुत गंदा हो जाएगा। और तुम रहोगी तो झाड़ू पोछा तो करोगी ही, नहीं तो तुम्हारे ही पैरों में मिट्टी आएगी। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। हाँ जी जी, इतना नहीं रहे हम, अकेले कैसे रहे, इतने बड़ो घर है, काट भी लाने दौड़े। काट भी को तोड़े, अरे मच्छर तोड़ी है यार। हाँ जी जी, कोनो और इंतजाम करा दो तुम, इतना नहीं रहे हम अकेले। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। बेबी आइडिया आ गया, मैं कविता से बात कर लेती हूँ, वो तो अकेली रहती है, तुम 2 दिन उसके यहाँ रह लेना। ए जी जी, बांधना काबा हो तो भूल गई। तुम्हारे कोच में खटमलन की फौज है और ढूंढ देख के का बताएं। दीवारन पे सीलन की बदबू इतने कि तुम्हारे घर में कोई टिकट नहीं है। और तो और छत पर से चूना ऐसे टपका जैसे स्नोफॉल हो रही हो। अरे वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं, उस दिन के बाद से ही तो लाइन पे आई है वो। क्या सही बोल खोली थी तुमने उसकी, अब तो मैं बोलूं उठो तो उठती है, बैठो तो बैठ जाती है, मजो ही मजो। अजीत जी, वो तुमसे इतने डरा, तो सोचो हमारे सामने बाकी का हालत होते हुए, वो तो 2 मिनट के लाने लिपट में भी नहीं घुसा अगर हम होते तो। और तुम कह रही 2 दिन एक घर के अंदर, बा कोई घर बाई काट में दौड़े है। ये बात तो सही है, तो ऐसा करती हूँ ना, समीर और सोनाक्षी से बात कर लेती हूँ। हाँ जी जी, उनके उधर रहने को तो सवाल ही नहीं उठा, वे लोग हर समय तू मैं चू चू चे चे नोक झोंक लड़ाई झगड़ा करते रहते, ऐसे नेगेटिव माहौल में हम कैसे रहेंगे जी। यार बेबी तुम्हारे ना बहुत नखरे हैं, सोचती हूँ। वैसे जी जी, हमारे पास एक आइडिया है। कम कम बैठो। हाउ आर यू? आई एम गुड, बैठो। ओह, न्यू कर्टन्स, वेरी नाइस। हाँ कल ही लगवाए, आई लव द कलर। या क्या हुआ? अच्छा कॉफ़ी भी होगी, बना? नहीं नहीं, एक्चुअली कुछ पूछना था तुमसे, बहुत बड़ा फेवर, लाइक ह्यूज। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बोलो। हम लोग ना 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे लेग वार्मर्स चाहिए थे, वहाँ ठंड हो सकती है। इतनी छोटी सी बात अभी नहीं। नहीं नहीं, एक्चुअली ये बड़ा फेवर नहीं है, कुछ और है। हाँ बोलो। बड़ा फेवर था कि हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो वो तुम्हारी जैकेट भी चाहिए हो सकती है, बिकॉज 15 डिग्री तक टेम्परेचर होगा। रोहिणी अभी ले आती, रुको। ये लो। थैंक्स। आर यू श्योर कॉफी नहीं पियोगी? या या। और बाकी सब, वीकेंड का क्या प्लान है, कहीं गोइंग आउट समवेयर? कहाँ यार, हम कहाँ कहीं जा पाएंगे, इतना काम है, वी आर एक्सपेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, इतने शूट्स लाइंड अप है। मतलब यहीं हो ना, कहीं जा नहीं रहे हो क्या? हाँ फिर तो ठीक है। मतलब एक छोटा सा फेवर और चाहिए था, लाइक स्मॉल, रियली टाइनी। या ऑफ कोर्स, टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट। हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो वो आई नो दैट, आगे तो बेबी के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। क्यों, तुम्हारे घर पे क्या प्रॉब्लम है? उसे डर लगता है ना अकेले में, सो आई वॉज थिंकिंग कि वो। एक मिनट, नो नो वेट, एक मिनट, आर यू सजेस्टिंग कि बेबी वो 2 दिन के लिए? या नो नो रोहिणी, नो नो, तुम कुछ भी और मांगलों में दे सकती हो, लेकिन नॉट दिस, प्लीज, नो 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 नो, मुझे सुनना ही नहीं कुछ। ओके फाइन फाइन, तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो, अगर तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा यार? अब वेकेशन पे जा रहे हैं तो बेबी का कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है नहीं जाएंगे, कितने प्लान्स बनाए थे ऋषि ने, तो कैमरा भी पैक किया है, पता है
सोचा था जहान का फोटो सेशन करेगा, और मैंने तो सोचा था इन दो दिनों में जिंदगी जी लूंगी, बट इट्स ओके, कैंसिल कर देते हैं। कम ऑन मीरा, ठीक है ना यार, मतलब कितना बुरा हो जाएगा, वैसे भी बेबी अब बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही, शी हैज बिकम बेटर, इम्प्रूव विद टाइम, बेबी 2.0 है ना? या ठीक है, अब तुम दोनों कह रहे हो तो मान लेती हूँ मैं, बट प्लीज उसे कह देना टू स्टे आउट ऑफ माई वे, बिकॉज अगर उसने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो शी विल हैव टू डील विद मी, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। एब्सोल्युटली, मैं उससे कहूंगी एकदम गाय बन के रहेगी, तुम्हें नजर तक नहीं आएगी, इनविजिबल गाय, और तुम बिजी भी हो ना तो तुम्हारी मदद कर देगी, सोचो तुम यू आर वर्किंग, थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और तुम्हें एक कप कॉफी चाहिए, यू जस्ट हैव टू आस्क, एक कप कॉफी दे दो बेबी, कॉफी हैज इट, लाइफ विल बी सो गुड, आई एम टेलिंग यू। ठीक है रोहिणी, बस करो यार, भेज देना उसको, स्टॉप हार्ड सेलिंग। ओके थैंक्स, बाय। अरे ये तो ले जाओ, अरे नहीं नहीं इतनी ठंड नहीं होगी, थैंक्स, बाय। आ जाओ बेबी, तुम्हें सब कुछ दिखा देती हूँ, देखो रात को तुम्हारा बिस्तर यहीं पर लगा देंगे, दूध फ्रिज में है, चीनी कॉफी चाय सब कुछ यहीं पर है, चंदा आएगी वो खाना बना देगी, तुम कितनी रोटियां खाओगी उसे बता देना, ठीक है? आंटी जी तुम हमारी चिंता नहीं करो, हमारे खाने पीने का कछु इशू थोड़ी, हम तो कछु भी खा लेते, तो वह लाने कछु बना दे, चाय छाछ लस्सी जूस, नहीं कुछ नहीं चाहिए बेबी, कुछ चाहिए होगा तो मैं चंदा को बता दूंगी, ठीक है? हाँ जी जी। अरे अरे कांच का है, टूट जाएगा संभाल के, अरे 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 मसाला काई डाल दो, प्याज तो भूंज गई तू ढंग से, अरे कच्ची रह जाए प्याज मुंह में होए खून, अरे भाई हटा के भी कमाऊ साफ कर लिया करो, ऐसे खाना पूर्ति करा तुम, जिज्जी तुमसे कछु कहत नहीं है। दीदी को जब बोलना होता है ना तब बोल देती है, तू मेरी दीदी बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप जा बैठ वहां पर। हाँ चुपचाप बैठे हम हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो हमें मीरा जिज्जी ने कही थी, उन्होंने कही थी चंदा आए भाई सब कुछ सिखा दियो, हम जैसे रोहिणी जिज्जी कहते हैं सब कुछ साफ सुथरा स्पिक एंड स्पैन रखते हैं ना, वैसे ही तुम्हें ट्रेन कर दें, दो दिन हम इतने हैं तुम्हें सब सिखा दें, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं बोल देती हूँ दीदी को, मुझे ज्यादा चिक चिक पसंद नहीं है। दीदी अरे अरे दीदी अरे अरे दीदी चंदा चंदा अच्छा हम कछु नहीं कह रहे बस, जिज्जी का बोल रहे उन्हें कहीं परेशान कर ले, बिजी है जी तो तुम्हें बात समझ में नहीं आओ, जब इंसान बिजी होता है तो बा को दिमाग काम में होता है, और तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके उनके पास पहुंच जाती है, बंद करो जो सब करना, इतना कर तो तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए। दीदी अच्छा 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 जा रहे जा रहे। बेबी सुनो ये क्या कर रही हो तुम बेबी? जी जी तुम लोगों के लाने पकौड़ा बना रहे, पर हम फ्राइड नहीं खाते हैं, बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती। चीची पकोड़ा को नहीं खाओ, पकोड़ा तो सब लोग खाओते, और जब तुम हमें होते आओते तब खाओ तो कि नहीं, तुम्हें तो पकोड़ा खूब पसंद है। हाँ तुम्हारे यहाँ आते हैं तब खाते हैं, क्योंकि रोज रोज नहीं आते ना तुम्हारे यहाँ, कॉफी शॉप जाने का प्लान था, वहां कुछ खाने का मन था, पकौड़े खाने पड़ेंगे अभी। ये चंदा ने क्या बनाया है, कड़ी है या बासुंदी? अरे जीजी कड़ी है हमने बनाई। तो चीनी क्यों डाली है इसके अंदर? चीनी नहीं जीजी, हमने तो जी डालो। बेबी ये पिसी हुई चीनी है, तुम ना मेरे किचन से दूर रहो प्लीज, दो दिन के लिए आई हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि दो दिन तुम्हारा वेकेशन है। तुम वाईफाई का पासवर्ड लो, लाओ तुम्हारा फोन लाओ, मैं डालकर देती हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस देखो और रिलैक्स करो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है प्लीज। हो जीजी मीरा छोड़ना यार, हो जाता है कई बार, एटलीस्ट उसने कोशिश तो की, मतलब कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तुम उसकी साइड ले रहे हो? अरे मैं साइड नहीं ले रहा हूँ उसकी, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कई बार गलती से गलती हो जाती है। गलती उसी से क्यों होती है ऐसी गलती? और पहली बार किचन में खाना बनाने से पहले इंसान चख तो लेगा ना कि चीनी डाल रहा है या नमक, और मैंने कहा था उसे कुछ बनाने के लिए, फिर कड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? और चंदा क्यों नहीं आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे अभी फोन। अरे मीरा मैंने उसे कहा था कड़ी बनाने को और उसमें पकौड़े डालने को, ताकि पकौड़े भी वेस्ट ना हो और हम कॉफी शॉप भी जा सके। पकौड़े तो वेस्ट हो ही गए, दही भी वेस्ट हुआ और गैस भी, और पैसे वेस्ट करके खाना बाहर से मंगवा, चाइनीज मंगवाना। ठीक है अभी चंदा अभी तक आई नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है, और आज हमें इतना सारा काम है, आई डोंट नो हाउ आई गोइंग टू डू इट,
ना घर में आज खाना बनेगा, ना घर साफ होगा और कल के बर्तन भी पड़े हैं। तो बेबी से कह दो ना, वो कर लेगी। नो, आई डोंट वांट हर टू टच एनीथिंग इन द हाउस। तो फिर हम कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, इतना काम है, वी डोंट हैव टाइम। अब हम कर नहीं सकते, बेबी से तुम करवाना नहीं चाहती, तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। हाँ, किसी को तो करना ही पड़ेगा। सो पेड़ हो देना अस। हाँ, बट अब मैं कैसे जाकर बोलूँ उसे? कल ही मैंने उसे कहा था कि कुछ मत करना, दूर रहना मेरे किचन से। बी वेरी एम्बेरसिंग, आज कैसे कह दूँ उसे कि जाओ जाकर मेरा काम करो। प्लस वो भी तो बदला लेगी ना, पत्थर का जवाब ईंट से देगी। तुम बात करो ना उसे जाकर, वो तुम्हारी बात मानती है ना, जस्ट टेल हर ना प्लीज। मैं बेबी से कहूँ? वाह, आई शुड क्लीन अप योर मेस। इट्स आवर मेस, घर बहुत गंदा है। प्लीज 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 गो। ये चंदा भी ना एकदम ही अनरिलायबल है, काम चोर, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ भैया, हम जान आते हैं। आज इतना सारा काम है, इतने बिजी हैं हम, और साथ में घर का काम भी करना पड़ेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे होगा। हाँ भैया, करने तो पड़े। काश हमारे पास भी ना कोई तुम्हारे जैसी होती। ऋषि रोहिणी कितने लकी है ना, ये आज मुझे समझ में आया। भैया, अब अगर तुम चाहो तो कि हम तुमसे ये कह दें कि कौनो फिक्र करवे की जरूरत नहीं है, और हम तुमसे ये कह दें कि सारा काम हम कर लें, तो जो उम्मीद हमसे नहीं रखियो, हमसे ना हो पाए। जिजी ने हमारी कितनी बेइज्जती करी, आई एम हर्टेड। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिजी को बहुत बुरा लग रहा है। वो रात भर बहुत अपसेट थी, रात भर सो भी नहीं पाई, यही सोच सोच के कि मैंने बेबी को ना बेवजह बहुत कुछ सुना दिया। उन्हें ऐसे कही तुमसे? अरे कहा नहीं, रात भर करवट बदल रही थी ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता है आई एम हर हस्बैंड। कुछ लोग ना महसूस कर लेते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते, जिजी उनमें से एक है। पर चलो, रात गई बात गई, मैं तो आगे की सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि तुम्हारा भी फायदा हो और हमारा भी नुकसान हो। जरा सोचो, जहां तुम अपनी वेकेशन पर फ्री में काम करके भी जिजी को खुश नहीं कर पाई, वहां तुम्हारे पास अपनी वेकेशन पर पैसा कमाने का मौका भी है और जिजी का दिल जीतने का भी। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी वेकेशन पेड वेकेशन हो जाएगी। और पैसे की जरूरत तो सबको होती है, आजकल के महंगाई के जमाने में जितना पैसा कमा लो उतना ही कम पड़ता है ना? Now you are talking, भैया। What is your offer? दीदी छुट्टी। Hi guys! I hope you liked today's episode and I hope you liked all of us. Yes. And the contest is? The contest is कि आज के पूरे एपिसोड में किचन में डाइनिंग टेबल पे आपको कितने प्लेट्स देखने को मिले। या और वन लकी विनर विल विन अ वीडियो कॉल विद ऑल फोर ऑफ अस एंड लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फैंटास्टिक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग को, हमारे चैनल को, और सब्सक्रिप्शन फ्री है। हाँ। और आजकल की महंगाई के जमाने में कोई चीज फ्री मिलती है क्या? हाँ। सब्सक्रिप्शन इज फ्री। और आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है, और उसी बहाने फिर आपको नेक्स्ट वीक भी मिलते हैं। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू।